सिंह कोश्यारी ने शिवसेना से कहा था कि कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल लेकर आइए, सरकार बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन इस दौरान बड़ी खबर आ रही है कि आज दावा पेश नहीं करेगी शिवसेना और वक्त मांगेगी। इस बात का इशारा संजय राउत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया कि भाई इतना टाइम देवेंद्र फडणवीस को दिया था, हमें एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा और वक्त दिया जाए। हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी जो पल पल की डेवलपमेंट्स के ऊपर नजर रखे हुए हैं, वो लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हमें पहले ये बताएं कि 7:30 बजे जाकर ही उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और या फिर जो विधायक दल जाएगा शिवसेना का और वक्त मांगने के लिए, या उससे पहले ही राज्यपाल से बोला जाता है अभी रुक जाइए, थोड़ा और वक्त दे दीजिए, हमें बाकी चीजें आंकड़े जुटाने दीजिए। देखिए, असल एक तो साफ है कि उद्धव ठाकरे नहीं जाने वाले राज्यपाल के पास, नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, जो विधायक के नेता एकनाथ शिंदे और जो महाराष्ट्र के रामदास कदम या तमाम जो अन्य और नेता है, कद्दावर नेता जो शिवसेना के, वह साथ में जरूर जाने वाले हैं। लेकिन हाँ, देखिए इस मामले पर राज्यपाल के पास जाना जरूर पड़ेगा, शिवसेना के तमाम नेताओं को जाकर वहां पर बकायदा लिखित लेटर देना पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल ने लिखित लेटर उन्हें दिया हुआ है और उन्हें कहा हुआ कि 7:30 बजे तक आप दावा पेश करिए, और यही वजह है कि उन्हें लिखित लेटर देकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी राज्यपाल से कि हमें और वक्त दीजिए, क्योंकि हमारी और मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, इसके वजह से हम और वक्त चाहते हैं। अब यह पूरा डिपेंड करता है राज्यपाल के ऊपर, राज्यपाल क्या उन्हें वक्त देते हैं या फिर वह साफ साफ कहते हैं कि नहीं आपको आज ही सब कुछ देना पड़ेगा, तो कैसे शिवसेना के लिए बड़ी मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि उसका कारण देखिए साफ है कि कल एनसीपी की लगातार मीटिंग है अपने विधायक दलों के साथ, वही कांग्रेस भी हालांकि आज मीटिंग करे, लेकिन वह तब तक फैसला नहीं सुनाएगी जब तक कि शरद पवार ऑफिशियल अपना फैसला नहीं सुनाते हैं। तो दोनों पार्टियां वेट करेंगी सिर्फ इस बात को लेकर कि एक तरह से औपचारिक ऐलान करना अगर है तो उस तरीके से समय का इंतजार करेंगी, क्योंकि कल ऑलरेडी पहले से ही एनसीपी ने मीटिंग बुला रखी है, तो जल्दबाजी में फैसला करना शायद दोनों पार्टियों के लिए सही नहीं होगा ऐसा मान रही है, इसलिए जानकारी लगातार हमें मिल रही है। संजय राउत ने कह के एक साफ संदेश देने का प्रयास किया, जल्दबाजी के मूड में ना तो कांग्रेस नजर आ रही है ना ही एनसीपी नजर आ रही है। प्रफुल्ल पटेल ने भी अब से कुछ देर पहले यही कहा, क्या कुछ कहा पहले वो सुन लीजिए। आणि म्हणून काय त्याच्यावर आज भाष्य करणं, तूर्त भाष्य करणं, आम्ही चर्चा केल्याशिवाय आम्ही काय करू शकत नाही, सांगू शकत नाही, आमचा कुठलाही निर्णय झालेला नाही। देखिए महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों से राजनीतिक परिस्थिति काफी एक गर्म एक चरम पर है, और मैं आपको इतना ही स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हमने बार बार कहा है कि बीजेपी और शिवसेना को मैंडेट मिला है, कांग्रेस और एनसीपी को नहीं। अब कल जब बीजेपी ने सरकार बनाने से इनकार किया है तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक वातावरण गर्म हो गया है, लोगों में एक दूसरे में क्या करना क्या नहीं करना ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। मैं सुबह से टीवी में देख रहा हूं, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री बन रहा है, सरकार बन चुकी है, ऐसी कोई भी बात मैं अधिकृत तौर से कह सकता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं हुई है। जो भी कुछ आगे बात अभी आज हम मिल रहे हैं, अब इस परिस्थिति का हम अध्ययन करेंगे और कोई जल्दबाजी में, क्योंकि ये कोई सरकार बनाने का और ये भी कोई प्राकृतिक सरकार नहीं होगी, कोई दूसरे लोगों के साथ बनाने की बात आएगी तो उसमें हमारी तैयारी है कितने हद तक है नहीं है, ये सब अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत आपने सुना होगा प्रफुल्ल पटेल को, उन्होंने कहा कि ये कोई प्राकृतिक सरकार नहीं होगी, स्वाभाविक सरकार नहीं होगी, साफ तौर पर विचारधारा तो सेम नहीं है, ऐसे में कांग्रेस क्या बीच का रास्ता खोजने की तैयारी में? देखिए, प्रफुल्ल पटेल हो या शरद पवार हो, जब तक गो अहेड कांग्रेस पार्टी से नहीं मिलेगा तब तक एनसीपी खुल के नहीं बोलेगी कि हाँ वो शिवसेना के साथ सरकार में शामिल होने जा रही है। लेकिन इस पूरे आप देखेंगे तो इसका एपी सेंटर हमेशा शरद पवार रहे, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर खुद उनकी पार्टी एनसीपी, उन्होंने ही हीरो का रोल प्ले किया है, जिस तरीके से कैंपेन किया और कैंपेन करने के बाद जिस तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स के पास पवार ने जो पावर महाराष्ट्र के लिए है वो साफ दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार इसी बात का है कि गो अहेड दिल्ली से कांग्रेस का मिले, उसके बाद एनसीपी एक साथ 4 स्टेप आगे बढ़ेगी, लेकिन जब तक कांग्रेस गो अहेड नहीं देगी तब तक एनसीपी आगे नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस के पास 2 विकल्प हैं और कांग्रेस 2 फाड़ में है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। कांग्रेस का एक बड़ा फ्रैक्शन मानता है कि आइडियोलॉजिकली शिवसेना के साथ जाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन दूसरा बड़ा धड़ा जो है वो साफ कहता है कि इस समय पार्टी क्राइसिस में है,
अगर आप सरकार नहीं बनाएंगे तो कल को आपके खुद के विधायक टूट जाएंगे, उनको आप रोक नहीं पाएंगे, कब तक रिजॉर्ट में रखेंगे। इसी को लेकर सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई और माना यही जा रहा है कि जो विधायकों की राय है उसी पर कांग्रेस पार्टी चलेगी, यहाँ से कोई भी चीज थोपी नहीं जाएगी, यहाँ से कोई भी चीज थोपी नहीं जाएगी। एक छोटे से हमें अंतराल के लिए